हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई टेस्ला के नए CFO एक इंडियन को देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं, इतनी निकल रही हैं कि हमें भी यहां तक आवाजें आ रही हैं। आपको आ रही है? मजे की बात यह है कि चाहे दुनिया को पता ना हो, पाकिस्तान वाले बता देते हैं आपको। तो हमें यहाँ ही वर्षा में बैठा हुआ नहीं बता मगर पाकिस्तान जरूर इन्फॉर्म कर देगा आपको। ये तो पूरा टाइम उनका और कोई काम नहीं है, ये बैठ के बस इंडिया को ही देख रहे हैं। रेडार से सिस्टम है। अच्छा वो हमें नहीं पता। वेरी नाइस, बताइए। मुझे तो अभी पता चला है। वाह, कमाल हो गया यार। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि टेस्ला, जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, मुंह कैसे बना के हुआ है, दुखी हो गए, इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। चंद रोज पहले वजारत खारजा ने यॉर्क कैंट हमले में अफगान दहशतगर्दों को बर्बाद करने की तस्दीक की थी, और ये तब जबकि इसरो को फेल करने के लिए वेस्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, क्रायोजेनिक इंजन देना था और वेस्ट ने जो है वो रशिया में क्रायोजेनिक इंजन देने को तैयार हो गया था, वेस्ट ने मना कर दिया था। Correct. और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करी थी। पाकिस्तान को पुल आउट करना पड़ा एक ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन से, जो पाइपलाइन गैस ले आके आती पाकिस्तान में, अमेरिका के प्रेशर में आके इसको कैंसिल किया गया। कई बिलियन डॉलर का इस पर खर्जाना पे करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। इंडियन ओरिजिन उनको लगाए। वही तो बेटे, वो मुहब्बे वतन कौम है, वो मुहब्बे वतन है हिंदू। मतलब इतनी बाइसनेस है कि मतलब दे नॉट अलाउड इंडिया की एयर, वो भी स्पेस के अंदर अगर पहुंचता है तो क्यों पहुंचे। इंडिया ने मिशन मून के बाद मिशन ओशन भी लॉन्च कर दिया है और उसका नाम रखा गया है समुद्रयान, जो कि 2026 तक प्रॉपर लॉन्च कर दिया जाएगा। मेरे लिए तो यही सक्सेसफुल हो गया फकर भाई की, इतनी बड़ी मैन्यूवरेंस करके उसको उन्होंने जो है सोचिए पैसे बचा करके स्लिंग शॉट के थ्रू और पहुंचा दिया उसको ऑर्बिट में। बिग मैन्यूवरेंस। और इन्होंने इनकी सारी जिंदगी और जो तालीम इन्होंने हासिल की है वो इंडिया से ही हासिल की है। ओ अच्छा। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने गैस डील पर तेहरान को संदेश भेज दिया है। पाकिस्तान अब ईरान के साथ कई अरब डॉलर्स के गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को निलंबित करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसे बाहरी कारकों की वजह से ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं और यही वजह है कि वह गैस डील को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। पाकिस्तान के गैस डील को सस्पेंड करने से अब उसे 18 अरब डॉलर का भारी भरकम जुर्माना ईरान को देना पड़ सकता है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान को साफ साफ कह दिया कि जब अमेरिका के प्रतिबंध ईरान के खिलाफ लगे हुए हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। दूसरी तरफ एलोन मस्क ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक भारतीय को टेस्ला का CFO नियुक्त कर दिया है, जिसकी चर्चा भी पाकिस्तान मीडिया में बड़े जोरों शोरों से हो रही है। एक बड़ी खबर जनाब हमारे सामने आ रही है, हमें पता चल गई है। वो बड़ी खबर ये है, अभी देखना मुंह कैसे बना के बोलेंगे, जैसे दुखी अंदर से। दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है सबके CEOs जो है, देखा मुंह बना शुरू हो गया, मुल्क इंडिया से। ये देखा यानी देखा इसके लिप्स। जितने भी CEOs खासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं वो इंडिया के नौजवान है, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाए और फिर जितने भी यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे फिर कोई और आए, उस जितने भी कंपनीज हैं कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर और उसके बाद जो है अब तो IMF में जो रूलिंग एलीट है दुनिया की, वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला, जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब CFO इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने CFO के तौर पर वैभव तनेजा, इंडियन ओरिजिन, उनको लगाएं।
और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू सीएफओ ऑफ इलोन मस्क लेड टेस्ला. इससे पहले जो इसको कर रहे थे कंडक्ट सारा एज ए सीएफओ, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और एक उनकी तरफ से जो है वो नोटिस आप कह लें या स्टेटमेंट कह लें वो सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं और उन्होंने बड़ा ही अच्छा टाइम गुजारा और ये सब हुआ. और उसके बाद कल रात से ही कहा जा रहा है बनाया ना भी। जैसे ही ये खबर कि इससे पहले वाले जो हैं किरकोन, वो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो नहीं रहेंगे इस उस पे, तो उसी के साथ ये खबर भी चलना शुरू हो गई कि कौन होगा. तो ये सोचा जाने लगा कि ये कहा जाने लगा कि यकीनन ये कोई इंडिया का नौजवान होगा जो अब इनकी जगह पर आएगा. अब ये सोचा जाना इतना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से कि वाकई कि इस जगह पर जिसको अब लगाया जा रहा है वो है वैभव तनेजा. और इन्होंने इनकी सारी जिंदगी और जो तालीम इन्होंने हासिल की है वो इंडिया से ही हासिल की है. यानी वहाँ के ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, कहाँ के दिल्ली, ये देश का प्यार है. और इतनी बड़ी बड़ी मतलब आप सोचिए मैनेवरेंस कर रहे हैं और ये तब जबकि इसरो को फेल करने के लिए वेस्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी. हाँ, क्रायोजेनिक इंजन देना था हमारे रॉकेट के लिए, जो विकास इंजन जिसको आप नाम सुनते हैं ये विकास विक्रम साराभाई के नाम पे है, विक्रम से साराभाई, तो विक्रम साराभाई की ये सोच थी. और वेस्ट ने जो है वो रशिया में क्रायोजेनिक इंजन देने को तैयार हो गया था, वेस्ट ने मना कर दिया था और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करी थी कि अगर आप देंगे इनको क्रायोजेनिक. मतलब इतनी बायसनेस है कि मतलब दे नॉट अलाउड इंडिया की एयर, वो भी स्पेस के अंदर अगर पहुंचता है तो क्यों पहुंचे भाई. उनको लगता है कि ये उनका है, ये उनका डोमेन है और कोई और कोई ह्यूमैनिटी इसको सोच नहीं सकती, वो भी हम बुरे लोग, आप समझ रहे हैं. तो उनको ये लगता है ये कैसे जा सकते हैं, ये तो हम ही जा सकते हैं, तो सिर्फ हमको पता है. तो उनको ये नहीं पता है कि हमारे तो दादा परदादा इसके बारे में जान के बैठे हुए हैं भाई, हमारे तो खून में है ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, तो हमें तुम इसमें कैसे हरा दोगे. पिछली बार हम चांद पे लैंड कर गए, सॉफ्ट नहीं हुआ. मेरे लिए तो यही सक्सेसफुल हो गया फकर भाई की इतनी बड़ी मैन्यूवरेंस करके उसको उन्होंने जो है सोचिए पैसे बचा करके स्लिंग शॉट के थ्रू और पहुंचा दिया उसको ऑर्बिट में. बिग मैनेवरेंस, तो भाई हैट्स ऑफ है इन पहुंचा दिया भारत माँ के बच्चों को कि भाई मतलब ये हमारे आप कितना डेली वाले लोग हैं, ये वही कपड़े पहनते हैं, इनको भी वही है लोन पे लेकर के अपने घरों को खरीदते हैं, लेकिन काम ये देखिए वो कर रहे हैं कि दुनिया में बड़े बड़े लोग ना कर पाए. तो भाई देख लो कि सीएफओ इज इन इंडियन. अब मुझे पता करना था कहाँ से है, इंडिया के कहाँ से है, कहाँ से पढ़ाई की है, तो लेट्स सी. इनको तो पता नहीं था, उन्होंने शेयर. देखिए इलॉन मस्क के साथ काम करना बहुत ही टफ काम है, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत ही टाइट हिसाब से चलता है काम. होता है बहुत ही. आपने अगर न्यूज़ सुनी हो इलॉन मस्क की, लीक भी बहुत सारी हो गई हैं, बहुत सारे ट्विटर में बहुत कुछ लीक हुआ है, बहुत कुछ मतलब आई है, लोगों ने ये सब किया है, तो काफी टफ काम है. उससे क्या दिखता और है? उससे पता चलता है कि बहुत ही कोई जबरदस्त बंदा है, इंसान ही काम कर मतलब सकता उसमें है. हमारे जो ये बने हैं अभी इंडियन, उनमें इतनी मतलब हुनर या कह सकते हो कि टैलेंट है कि इलॉन मस्क वाज आल्सो यू नो इम्प्रेस्ड कि मैंने इसको बनाना है. इससे ये दिख रहा है कि इंडियंस आर कितने टैलेंटेड और कितने इंटेलिजेंट कि इतना टफ जो इलॉन मस्क जैसा वो भी उन्होंने भी चूज किया इनको. और कमाल की बात यह है कि हमें नहीं पता था, पाकिस्तानियों को पहले पता चल गया. हम यूएसए में बैठे हैं, हमें नहीं पता. हाँ, ये पाकिस्तानियों को पता चल गया. और देखिए अच्छी बात भी है, टेस्ला बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया के अंदर. इंडिया में 25 लाख की जो गाड़ियां आने वाली हैं, दैट विल बी अमेजिंग. और वहां से देखिए वही है कि कम बजट में कैसे कार बने ये इंडिया ही बताता है. अब 25 लाख में जब बनेगी तो इलॉन मस्क का सपना जो था
कि मैं सस्ती बनाऊं इलेक्ट्रिक कार जो हर इंसान को मिल सके वो पूरा हो जाएगा। और इलॉन मस्क को ये पता लग रहा है कि भारत की लोगों के द्वारा इंडिया में ये सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि इलॉन मस्क भी चाहता था कि भाई इलेक्ट्रिक कार बने मगर तो वही थी उसकी कि मगर सस्ती बने कि सब मगर बना नहीं पा रहे। फिर उसने सोचा कि मैं बहुत ही प्रीमियम बेस बनाता हूँ, उससे प्रॉफिट जनरेट होगा, उस प्रॉफिट से मैं वो कार बनाऊंगा। तो ये सब चल रहा है बिल्कुल। तो ड्रीम तो यही थी कि भैया मैंने सस्ती इलेक्ट्रिक बनी और वो लग रहा है सपना जो है वो पूरा होगा इंडिया की वजह से। कमाल है, कमाल कर रहे हैं हमारा इंडिया और हमारे इंडियंस, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।